अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्रैश कोर्स के बारे में मैं पिछले दो वीडियो में जो बताया हूँ वो तकरीबन 2 घंटे का है, एक एक घंटे का एक वीडियो है। और हमारा जो कोर्स है इस्लामिक क्रैश कोर्स वो 10 घंटे का रहेगा और रोज़ 1 घंटे के हिसाब से 10 दिन का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मगर वो जो 2 घंटे में मैं बहुत मुख्तसर ये 10 घंटे के बारे में, ये कोर्स के बारे में बताया मुख्तसर, और जो ज़्यादा जो 10 घंटे का जो कोर्स रहेगा उसके अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेन किया जाएगा। उस 2 घंटे के जो शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था क्रैश कोर्स का, उसमें कुछ बातों की वजाहत रह गई थी, क्लैरिफिकेशन रह गया था। तो इंशाल्लाह आज उसके बारे में मैं शुरू बताऊँगा 1 घंटे में। वो टोटली 3 घंटे का रहेगा वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मगर असली जो क्रैश कोर्स है 10 घंटे का ही रहेगा और 10 दिन तक चलेगा इंशाल्लाह। उसमें ऐसी मालूमात आ जाएंगी मुस्लिम नौजवानों को और मुस्लिम बड़ों को भी, कि जिन्होंने बचपने में दीन की तालीम हासिल नहीं की, वो लोगों को ऐसी मालूमात आ जाएंगी कि तकरीबन एक अच्छे मुसलमान को जो होना चाहिए। वो जो मैंने जो शुरू किया था इस्लामिक क्रैश कोर्स के बारे में, जो ऐसी चीज़ें मैं अल्लाह के करम से बताऊंगा कि जो किसी मस्जिद में या किसी मौलाना ने अभी तक बच्चों को नहीं बताई होंगी। सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था वो कायनात की वसअत कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, वहाँ से शुरू किया था। वो इसलिए शुरू किया था कि इस्लाम का या कोई भी मज़हब का जब कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई आदमी कोई मज़हब सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले ईमान का होना ज़रूरी है। बगैर ईमान के उसकी कोई तालीमात की, नमाज, रोज़े, ज़कात की फिर कोई अहमियत नहीं रहती अगर ईमान नहीं है। इसलिए मैंने वो का शुरू किया था कि अल्लाह ताला का वजूद साबित करने के लिए, कायनात के वसत से, उसकी बड़ाई, लंबाई, चौड़ाई से ये साबित करने की कोशिश किया था कि अल्लाह ताला मौजूद है। और अल्लाह के करम से मैंने स्टडी करके पिछले 35-40 साल में साइंस की इतनी स्टडी करके इतने मालूम हासिल कर लिया अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से, साइंटिफिक प्रूफ। ये तो मैं आपको 10 घंटे या 100 घंटे में भी नहीं बता सकता, इतने प्रूफ हैं। मैं फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ कि अल्लाह के ताल्लुक से आपको खाली कायनात की लंबाई चौड़ाई बताया, वो भी थोड़ी सी बताया कि सूरज कितना बड़ा है, हमारी कहकशां कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से साबित किया। उसके बाद अगर अल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह ताला मौजूद है, इसके बाद फिर आप जो भी कोर्स सीखेंगे उसका फ़ायदा है। और एक चीज़ जो हमारे दोस्त हमारे से पूछते रहते कि हम लोग आज कल परेशानी में क्यों हैं, हमारे दीन के ताल्लुक से गलत बातें या बुरी बातें दुश्मन हमारे इस्लाम के क्यों बताते रहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर क्यों ऐसा ये करते रहते, गलत इल्ज़ाम लगाते या झूठे, ये जो भी गलत है, बुरे इल्ज़ाम है, क्यों लगाते हैं? और हम भी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचते कि ऐसा है, वैसा है, कहाँ है और ऐसा क्या है, और हमको भी ऐसा लगता, ऐसा लोग पूछते रहते। उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला और हमारा दीन जो इस्लाम है, और अल्लाह ताला भी खुद बहुत ज़्यादा रैशनल है, वो चाहता है कि इंसान जो है दिमाग से, अकल से असलियत को पहचाने। वो ज़बरदस्ती किसी को कोई पहचानने की ज़बरदस्ती नहीं करता, वो चाहता है कि इंसान अकल का इस्तेमाल करे। इसलिए हमको और गैर मुस्लिमों को सबको एक हालत में रखा है ताकि हम लोग अकल से दुनिया के हालात, कायनात, अपने जिस्म, ज़मीन, आसमान, तारे, सितारे, केमिकल, हर चीज़ देख के अकल से मालूम करें। और ये जो बुरी बातें जो काफिर बताते रहते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, वो भी हमारा इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान है और काफिरों का भी इम्तिहान है। क्यों? हमारा जो दीन है वो साइंसी तरीके से, हर तरीके से साबित हो चुका है। आज पूरी दुनिया जदीद मॉडर्न टेक्निक के साथ भी इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकी, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसके बावजूद भी काफिर जल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बुरी बातें करते रहते, वो एक किस्म का इम्तिहान है। उस इम्तिहान से अगर मुसलमान गुजर गया तो फिर समझो वो कामयाब हो गया। इसके लिए मैं जो कुछ बात बताना चाह रहा था कि ये इस्लामी अकायद जो हैं उसके ताल्लुक से मैं डिटेल जो है सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कोर्स में, नमाज का तरीक़ा, उसमें नमाज का तरीक़ा और नमाज में मिलना कैसा, मतलब किसी की नमाज रह गई, इमाम अगर नमाज पढ़ रहा है, जमात बनी हुई है, तो उसके अंदर मिलने का क्या तरीक़ा है, वो भी इंशाल्लाह कोर्स में बताएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि नमाज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब ईमान है, अल्लाह के ऊपर ईमान आने के बाद सबसे पहले नमाज की अहमियत है। अगर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है तो फिर नमाज आदमी नहीं पढ़ सकता। इसलिए अल्लाह को अगर एक मानता है, अल्लाह जानता है कि ये कि अल्लाह मौजूद है, तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया है मुसलमानों के ऊपर दिन में से 5 मरतबा। तो नमाज के अंदर इसी कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, और मुश्किल नहीं समझना चाहिए कि इतने रकात है, इतनी रकात है और जमात में जा ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं। जमात में जाने के फ़ायदे ये है कि मस्जिद में जाने के
कि वहाँ पे जाने से असल में अल्लाह ताला ये चाहता है कि मुसलमानों का आपस में इंटरेक्शन हो, मुसलमान मिले और उनके अंदर सोशलाइज करने के लिए, कि मस्जिद में जब जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे तो दूसरे मुसलमानों से भी मुलाकात होती, उसमें अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती, जो गरीब है बुरे और जो परेशान है उनसे भी मुलाकात होती, जो अच्छे हालत में है पैसे वाले उनसे भी मुलाकात होती, और मुसलमानों को एक दूसरे का हाल का पता चलता, इसलिए एक दूसरे की मदद भी कर सकते। अगर कोई आदमी नमाज मस्जिद में नहीं जाएगा और उनके साथ नहीं रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसको क्या तकलीफ है, किसकी क्या परेशानी है। इसलिए अल्लाह ताला ये चाहता है कि लोग मुसलमान मस्जिद में जाएं 5 टाइम दिन में से, मस्जिद के अंदर एक दूसरे से मुलाकात होंगी, एक दूसरे के हालचाल मालूम होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, और एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान तो भाई भाई हैं। और दूसरी बात ये कि मस्जिद में जाने से इस्लाम के दीन के ताल्लुक से कुछ ना कुछ बातें सुनने मिलती हैं, वहाँ पे कोई खुतबा होता है, कुछ खिताब बयान होता है, वो भी ज़रूरी है। और मस्जिद में नमाज़ पढ़ना का ज़्यादा सवाब है, मस्जिद के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। और दूसरी बात ये कि नमाज़ आप जो है 5 टाइम बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है, हर मुसलमान ने 5 टाइम। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 3:30 बजे रात में उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, कोशिश ये करना है कि उसके टाइम पे पढ़ी जाए। खाली फजर का मसला है, बाकी नमाज़ें तो आसानी से आदमी पढ़ सकते। फजर के लिए भी कोशिश ये करना है कि आप जो अगर नहीं शुरू किए अभी तक नहीं कर रहे, तो आप जब भी नींद में सोते सबसे पहले मुँह हाथ धो के वजू करके 2 रकात पढ़ लेना है, 2 रकात पढ़ लेना है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम देर से उठे, हम 7 बजे उठे, हम 6 बजे उठे और 8 बजे उठे, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए नमाज नहीं पढ़ने से तो 2 रकात पढ़ना अच्छा है। नहीं अगर कोई आदमी सोच रहा है कि हमें देर से उठा इसलिए नमाज नहीं पढ़ा, फजर की चले गई, वो करने से तो ये अच्छा है कि कम से कम 2 रकात पढ़ ले नींद में सोते, सबसे पहले अल्लाह की फर्ज तो अदा हो जाएगा। तो ये शुरू करें और बाद में धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो फिर बाद में उसके सही टाइम पे भी आदमी धीरे धीरे आ जाएगा जो उसका फजर का सही टाइम है। और बाकी सब नमाज़ों के ताल्लुक से भी कोशिश करें कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना है, बाकी का घर में भी, ऑफिस में भी, दुकान में भी या कारोबार में भी पढ़ सकते पढ़ना है, मगर मस्जिद नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। और कोई ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, इतनी रकात पढ़ना है, कुछ नहीं, जितनी अल्लाह ने फ़र्ज़ की है उतनी तो पढ़ना ज़रूरी है, उतना पढ़ना है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नमाज़ पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि वो उसके सवाब बहुत ज़्यादा है। और नमाज़ नहीं पढ़ने से दुनिया में भी मुसलमानों को तकलीफ़ है और आखिरत में भी है। दुनिया के तो हमको मालूम है कि आज हम जो दुनिया के अंदर जलील है वो यही वजह से है, और बहुत सारी वजह है, इसलिए नमाज़ को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है मैं ये बता रहा था उस टाइम पे कि शैतान जो है, शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, बहकाऊँगा, और इसलिए अल्लाह ताला ने सब जितने भी इंसान हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम, सबको इक्वल चांस दिया कि दुनिया में जाओ और अपने दिमाग से, उनको दिमाग भी दिया, अकल भी दिया, और यहाँ की चीज़ें भी दिया, देखने के लिए साइंस भी दिया, और खाने पीने की चीज़ें दिया, हर चीज़ दिया, देखो और मालूम करो। शैतान को भी आज़ादी दिया कि तू जा और उनको गुमराह कर, इंसानों को भी आज़ादी दिया कि तुम गुमराह भी हो सकते या सही रास्ते पर आ सकते। इसलिए सबको इक्वल चांस है, किसी को भी अल्लाह ताला ज़बरदस्ती दीन पे नहीं लाता कि अगर ऐसा हो तो शैतान ये बोलेगा कि तो फेयर नहीं है, मेरे को तो बहकाने का मौका नहीं दिया तूने, अल्लाह को बोलेगा शैतान। तो अल्लाह ताला ने फेयर सबको चांस दिया, बहकने का भी दिया और सही रास्ते पर आने का भी दिया। इसलिए शैतान के क्या बोलेंगे फंदों से और उसके प्लानिंग से बच के सही रास्ते पे आना है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और सही रास्ता ये है अल्लाह को एक जानना है, और जो अल्लाह के जो मजाहब है वो सही मानना है, और आखिरी मजहब जो अल्लाह ताला ने भेजा है, आखिरी दीन जो भेजा है उसको सही मानना है। अगर उसको सही मान ले और अल्लाह को एक जान ले और ये माने कि अल्लाह ताला सबका आखिर में फैसला करने वाला है क़यामत के वक़्त, ये मान ले तो आदमी मुसलमान है। और बातें बताते बताते मैं मुख्तसर ये बता रहा था कि जो कुरान शरीफ जो जमा हुआ है वो अभी तक जैसे कोई ऐसी अच्छी हालत में है मौजूद है, दुनिया की कोई मज़हब की कोई किताब भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, और वो सब अपने दिल से जमा की हुई है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर कुरान शरीफ का प्रूफ मौजूद है, और हुज़ूर सल्लम ने जो बातें बताई हुई है, जो किया हुआ है, जो काम किए हुए है, वो हदीसों की किताबों में मौजूद है, लोगों ने उसके ऊपर बहुत तहकीक की हुई है, इतना ज़्यादा रिसर्च और उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिफ़ाइन किया उसको कि उसके अंदर गलत और सही का बिल्कुल उन्होंने ये कर लिया। दुश्मन जो इस्लाम के ये बात बताते रहते कि हदीसों का कोई ये एतबार नहीं, उसमें कोई गलत हदीस भी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के जो उलमा हैं मुहदीसिन लोगों ने बहुत मेहनत करके सही और गलत हदीसों को अलग किया हुआ है, और उसमें ऐसा कोई ये नहीं है।
और अल्लाह ताला इंसानों का, पूरे दुनिया के मुसलमानों का भी और गैर मुस्लिम का भी, सबका इम्तिहान कर रहा, और आखिर में हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आखिर में कामयाबी मुसलमानों की होंगी, क्यों? तो अल्लाह ताला सबको इक्वल चांस दे रहा है, गैर मुस्लिमों को भी मुसलमानों को भी। गैर मुस्लिम को भी अभी चांस दिया हुआ है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में तुम तरक्की करो, साइंस में आगे जाओ, हर चीज़ में आगे जाओ, पूरी दुनिया पे हुकूमत करो। तो आज वो काफिर कर रहे हैं पूरी दुनिया पे हुकूमत, मगर अल्लाह ताला एक वक्त के बाद मुसलमानों को चांस देंगे कि बताएंगे देखो अब इस्लाम के ऊपर दीन का, दुनिया का इंतज़ाम कैसा चलता, कैसा अच्छा चल सकता। तुम लोगों ने कुफर के ऊपर चला के दुनिया बर्बाद कर दी, यूरोप पूरा बर्बाद हो गया, मतलब अपने ख़ानदानी तौर पे, माशरती सोशल तौर पे बिल्कुल बर्बाद है। यूरोप के अंदर कुफर इतना फैल गया, बेदीनी और अथेइज्म इतना है कि वो पूरा ख़ानदान के ख़ानदान पूरे पूरे बर्बाद हो गए। उनके अंदर अभी यूनिटी पहले जैसी नहीं रही, उनका मज़हब क्रिश्चियनिटी पूरा ख़त्म हो गया, मज़हब भी ख़त्म हो गया, और वो पूरे बर्बाद हो गए मज़हब छोड़ने की वजह से। मज़हब जैसा भी था उनका, अच्छा था बुरा था, मगर वो ठीक ही था, मगर वो छोड़ने के बाद तो वो पूरे बर्बाद हो गए। उसके बाद नमाज का जो मैं बताने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, नमाज के पढ़ने का तरीका और नमाज मिलने का तरीका। उसके बाद सबसे अहम है पाकी, यानी नहाना धोना और गुसल करना। नहाना धोना मुसलमानों के ऊपर लाजिम है, कम से कम हफ्ते में एक मरतबा लाजिम है। अगर डेली का अगर नहा रहे, आजकल के ज़माने में बहुत अच्छा है, नहाना है, बाल निकालना है बगल में के और पैरों के बीच में के बाल, तकरीबन एक महीने में एक मरतबा निकालना है, ब्लेड से या शेव करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो बाल निकालिए क्लिपर मिल रहे, उससे भी निकाल सकते। बाल निकालने से ये होता कि वहाँ मॉइस्चर जमा नहीं होता और खुजली नहीं पैदा होती। बाल अगर बड़े हो गए तो बाल टूट के बाल तोड़े हुए आ जाते, इसलिए बगलों में के और पैरों के बीच में के बाल निकालना है। मूछें छोटी रखना है, मूछें छोटी रखना है, ऐसे बड़ी नहीं रखना कि मूछ का बाल पानी पीते वक्त पानी के गिलास में या पानी में नहीं डूबना चाहिए। मूछ का बाल इतनी छोटे मूछें रखना चाहिए। और नहाना धोना पाकी इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। वज़ू का तरीका भी क्रैश कोर्स में बताया जाएगा। गुसल का तरीका तो ये है कि पहले वज़ू करना है और बाद में पूरे जिस्म पे पानी डालना है, साबुन लगाना है और फिर जिस्म पे पानी डालना है। ये कम से कम एक मरतबा होगा, 3 मरतबा पानी डालना सुन्नत है गुसल में भी और वज़ू में भी। उसके साथ जो है नमाज के तरीक़ा तो मैं बताने वाला हूँ। नमाज के अवकात के बारे में मैंने बता दिया कि आपको जब भी मौका मिलता, जब भी मौका मिलता नमाज पढ़ना चाहिए। 2 रकात फजर की जब आप नींद में सो जाएंगे, जब भी उठे, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, सबसे पहले मुँह हाथ धो के वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लेना है, घर के अंदर ही या ऑफिस में भी जहाँ पे भी है। 2 रकात नमाज पढ़ ले तो आपके नमाज का फ़र्ज़ अदा हो जाता। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी आज मैं नमाज नहीं पढ़ा, नमाज अदा हो जाती। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में मुसलमानों की बहुत गाइडेंस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हदीसों के अंदर पेशन गोई आई हुई है, प्रोफेसी जिसको बोलते हैं, वो सब उस प्रोफेसी के अंदर क़यामत की निशानियों के बारे में, आजकल के दौर के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है और आजकल क्या होने वाला है, मुसलमानों के साथ क्या होगा और मुसलमानों ने क्या करना चाहिए ऐसे दौर में, वो भी है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है दज्जाल के बारे में बताया हुआ है। दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बहुत है, उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ लोगों के नज़रिए हैं, हदीसों में भी है कि दज्जाल एक गुमराह करने वाला, एक झूठा और झूठा आदमी रहेगा, जो लोगों को धोखे धोखे धोखेबाज समझो, धोखेबाज इंसान रहेगा जो आखिरी ज़माने में आएगा। वो दज्जाल जो है खाली अकेला आदमी तो है, मगर उसके साथ एक पूरा सिस्टम भी रहेगा, पूरा सिस्टम, पूरा साइंसी सिस्टम रहेगा, जदीद टेक्नोलॉजी उसके साथ रहेगी। और वो लोगों को जो है तो जिसको चाहे, जो उसकी बात मानेगा उसको नवाजेगा, उसको दौलत अता करेगा, जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको उसको मारेगा, गरीब करेगा। जैसा कि हम देखते कि मुसलमान अगर कोई बात नहीं माने काफिरों की, उनके मुल्कों पे बम के धमाके हो जाते हैं, उनके उनको टेररिस्ट बोल के पकड़ लेते, उनके मुल्क के मुल्क तबाह हो जाती है, जैसा इराक़, सीरिया, लेबनान और क्या बोलेंगे लीबिया, अफगानिस्तान, ये सब तबाह हो गए। ये सब असल में दज्जाल के काम है। तो दज्जाल के साथ ये सिस्टम भी रहेगा, और आखिर में दज्जाल आएगा जो जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं क़यामत से पहले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे दुनिया में और दज्जाल को ख़त्म करेंगे। उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत क़ायम होंगी और खिलाफत क़ायम होंगी, और वो खिलाफत के अंदर जो है मुसलमानों का जो खलीफा रहेंगे, जिनको आखिरी खलीफा बोलते हैं मुसलमानों के, महदी, खलीफा महदी, उनके ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को ख़त्म करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम हो जाएंगी और कुफ्फार बिल्कुल ज़ेर हो जाएंगे। ये भी एक है। और दूसरा जो है
दज्जाल के ताल्लुक से तो बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ये सब बातें हदीस में बताया है, कुरान शरीफ के अंदर इसके बारे में भी बहुत सारी पेशनगोयाँ हैं, मगर हदीसों में बहुत ज़्यादा है। और ये सब बातें जो 10 दिन का जो कोर्स है उसमें भी बताई जाएंगी। और मुसलमानों ने आपस में मिलजुल के भाइयों भाइयों की तरह रहना चाहिए। आज के ज़माने के अंदर जो है मुसलमान जो है बिल्कुल बच के और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कुफार से दूर रहना चाहिए और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ जो मुसलमानों में रंजिश है वो सब ख़त्म कर देना चाहिए, और जो भी फिरक़ेबाजी है, आपस में दुश्मनियाँ हैं, एक दूसरे को मुसलमान मुसलमान नहीं समझ रहे, ये सब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही वो तरीक़ा है जिससे मुसलमानों को बर्बाद कर सकते। क्योंकि मुसलमानों का दीन, मुसलमानों का जो मज़हब है, वो मज़हब काफिर जो है पूरी जदीद टेक्नोलॉजी के और साइंस के जरिए से गलत साबित नहीं कर सकते। ये काफिरों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा मुसलमानों का मज़हब है, मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के पास तो कोई ताकत नहीं है, मगर मुसलमानों का मज़हब ऐसी चीज़ है कि दुनिया के जितने भी मज़हब है आज के ज़माने में, लोग बोलते कि 3,000 है, 3,500 मज़हब है, बल्कि उससे भी कम होंगे, ज़्यादा होंगे, मगर जितने भी मज़हब है दुनिया के अंदर वो सब के सामने इस्लाम इतना सही और इतना ऐसा है कि दुनिया के सारे मज़हब गलत साबित हुए, सारे 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 मज़हब गलत साबित हुए, मगर इस्लाम गलत साबित नहीं कर सके साइंस से भी। इसलिए और ये सबसे बड़ा ख़तरा है गैर मुस्लिमों के वास्ते कि मुसलमानों के दीन को वो लोग मिटाना चाहते, और वो दीन को मिटाने के वास्ते मुसलमानों के अंदर जो इत्तेहाद है वो ख़त्म करने के लिए फ़िरक़े बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़िरक़ों के अंदर मुसलमानों को बांट के एक दूसरे से लड़ा के, और फ़िरक़ाबाज जो उलमा हैं उनको पैसे दे के उन्होंने मुसलमानों में लगाए हुए, ये जो उलमा हैं ये गैर मुस्लिमों के एजेंट हैं, उनसे पैसे ले के ये काम कर रहे हैं, और इनके अंदर ईमान नहीं है बिल्कुल, उनको कोई इस्लाम की मालूमात जो है ख़ास नहीं है, ईमान ही नहीं है उनके अंदर। जो जिनके तालीम हासिल किए उन्होंने, हदीस पढ़े, कुरान पढ़ लिया, मगर उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं होने की वजह से भी वो गैर मुस्लिमों के साथ मिल गए, उनसे पैसे लेके मुसलमानों को बहका रहे। पर आज हम मुसलमानों में देख रहे हैं कि हज़ारों फ़िरक़े हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं, हज़ारों फ़िरक़े हैं, और एक दूसरे को सब गलत साबित कर रहे हैं, और इन सब से बचना चाहिए। और ये 5-10 दिन का जो कोर्स है वो अल्लाह के करम से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाला है। और मेरे सामने उसका ये पूरा सिलेबस है, पूरे नुक्ते मैंने लिखा हुआ है, तकरीबन 62 पॉइंट है, वो एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा, और हमारे लोग करेंगे इंशाल्लाह, जो हर मस्जिद में ये क्रैश कोर्स शुरू होगा वहाँ पर इसकी एक कॉपी रहेंगी हर जगह सिलेबस की, और उस सिलेबस के एक एक पॉइंट देख के वो लोग उसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बहस करेंगे, हर पॉइंट के ऊपर तकरीबन 10-10 मिनट बहस करेंगे, और उस हिसाब से 10 घंटे का बहुत अच्छा क्रैश कोर्स बन जाएगा। और इस क्रैश कोर्स के अंदर करने के बाद मुसलमान नौजवान और बच्चे या बूढ़े या बड़े, जो जिन्होंने भी इस्लाम की तालीम हासिल नहीं कर सके बचपन में, या इनको नहीं मिल सकती, या सही भी नहीं मिल सकती, आजकल मस्जिदों में आप कहीं भी चले जाओ इस्लाम की तालीम कोई दे नहीं रहा है, खाली कुरान नाजरा पढ़ रहे हैं, कुरान को देख के पढ़ना सीखने, अरबी सीख के पढ़ना सीख के कुरान शरीफ ख़त्म करने से इनकी तालीम बिल्कुल नहीं होती, उसके लिए किताबें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। पर आजकल मुसलमानों के पास ना तालिब इल्मों के पास, स्टूडेंट के पास, ना बड़े लोगों के पास कोई टाइम है इतना पढ़ने का, वो जो मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, बच्चे जो है तो स्कूलों में लगे हुए हैं, नौजवान मोबाइल में लगे हुए हैं, और जो बूढ़े हैं उनके पास तो इल्म नहीं है, और वो फजूल बातों में लगे हुए हैं, फ़िरका परस्ती में लगे हुए हैं, तो दीन की तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। तो जिनको भी दीन की तालीम हासिल करना है, जो भी है वो ये 10 दिन का क्रैश कोर्स करें, इंशाल्लाह उनको इसके बारे में, दीन के बारे में इतनी मालूम हो जाएंगी कि एक मुसलमान को होती। और इसको क्रैश कोर्स की ख़ास बात यह है कि ये किसी मज़हब किसी फ़िरक़े का नहीं है, मुसलमानों के जो 4 जो फ़िका है, हमली, हनफी, शाफई और मालिकी, उसका भी तालीम उसके अंदर नहीं है, और शिया सुन्नी की भी नहीं है, और जितने भी फ़िरक़े हैं बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और क्या बोलते हैं सलफ़ी और वहाबी, ये इनके किसी की तालीम नहीं है, ये सिर्फ़ पीवा कुरान और हदीस की तालीम है, असली इस्लाम की तालीम है। इसलिए हर कोई इसके अंदर आके दाखिला ले सकता है, शिया भी आके दाखिला ले सकते, सुन्नी भी आके ले सकते, और हर कोई ये दीन की तालीम हासिल 10 दिन का कोर्स करने के बाद, उसके बाद फिर उनकी फिर मर्ज़ी है कि अपने अपने मज़हब की किताबें, अपने अपने फ़िरक़े की किताबें आके पढ़ सकते हैं। हमारे तरफ से कोई रोक और पाबंदी नहीं है कि हमारे कोई मज़हब की किताब पढ़े। ये दीन 10 दिन का कोर्स करने के बाद आप चाहे जिस फ़िरक़े की भी किताब लेके पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको राह हिदायत देगा, क्योंकि हर किताब में, हर फ़िरक़े की किताब में सही लिखा हुआ है, क्योंकि सबके पास कुरान वही है, सबके पास हदीस वही है। कोई भी किताब पढ़ेंगे हक अल्लाह ताला वाज़े कर देगा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम
हर एक जिंदा को, जो जो भी जिंदा इंसान है उसको जो है तो उसके मरने से पहले हक उसको वाजे कर देंगे, उसके सामने हक वाजे, मुसलमान को भी और गैर मुस्लिम को भी, काफिर को भी हक पता चल जाएगा, सच बता देंगे, अल्लाह ताला निशानी बता देगा, अपनी निशानियाँ कैसे, खाने पीने की चीज़ों में, देखने में, ज़िंदगी में, आसमान में, साइंस में, हर जगह कहीं ना कहीं से उसको ज़िंदगी में मरने से पहले निशानी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये सच है या गलत है। तो ये अल्लाह ताला बता देगा, आप 10 दिन का कोर्स करने के बाद अब आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आपके अपने हिसाब से कोई भी मजहब की आप किताब पढ़िए, अपने पढ़िए आपकी, और कोई भी फिरके की इस्लाम की किताब पढ़ लिए, इंशाल्लाह ताला आपको जो है तो दीन का सही इल्म हासिल हो जाएगा। और बहुत सारी बातें और भी हैं जो 10 दिन के क्रैश कोर्स में इंशाल्लाह बताऊँगा मैं। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।